यहाँ आए हुए सब इतनी विशाल संख्या में ऐसा जंग से लाभ दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर वहां तक जैसे कोई समुद्र उमड़ के आया हुआ है। और आप लोग सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत सारा प्यार और बहुत सारा धन्यवाद। और साथ में जोरदार आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आके आज इतनी बड़ी संख्या में हम सबकी तो हौसला अफजाई की, इतने जोरदार तरीके से की, उसको तो एक समझता मैं समझती हूँ कि आपने मुझे अपना कर्जदार बना दिया है, क्योंकि तो आपने इतना जोरदार प्यार किया कि मेरे को जिंदगी निकालनी पड़ेगी आपको ये बताते हो। वाकई में हम लोग तो आपके इस प्यार के भूखे हैं, आप इस तरीके से प्यार देते रहोगे हम गौर करेंगे, और इस प्यार को दौड़ते दौड़ते जो आप लोगों के काम करवाने हमसे है उसको कितना भी समय लगे कितना भी मेहनत करना पड़े वो हम लोग सब करने को तैयार है। बस आपका हाथ रहे, विश्वास रहे, आशीर्वाद रहे और प्यार में कोई कमी नहीं रहे, कितना रहेगा तो मैं समझती सब कुछ है। सबको फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि आप लोगों ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं आपके क्षेत्र में आते आते बहुत सारी चीजों के ऊपर ध्यान देते आई, मैंने सोचा कि हम लोगों ने अपने राजस्थान के अंदर 65 साल दिए हुए हैं लोकतंत्र को, इस 65 साल में से मेरे 5 साल आप निकाल दीजिए, बैरव सिंह जी के 7 साल निकाल दीजिए, तो 53 साल अपन ने कांग्रेस को दिया है। 53 साल के अंदर मैं तो मानती हूँ कि ये प्रदेश चमन हो सकता था। गुजरात के मुख्यमंत्री ने 15 साल के अंदर राजस्थान गुजरात के अंदर चमन कर दिया है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10 साल के अंदर मध्य प्रदेश को चमन कर दिया है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 53 साल के बाद क्या किया इस कांग्रेस ने प्रदेश के लिए। मैं बार बार सब लोगों से रस्ते भर गांव में पूछते पूछते आ रही, मैंने पूछा लोगों से पानी की क्या स्थिति है, आप लोगों की मूलभूत सुविधाएं आपको मिलती है कि नहीं, पानी की क्या स्थिति है, तो मेरे को ये बताया कि एक वार्ड आपके जो बालों का के अंदर की स्थिति है, चौथे पांचवें दिन आपको पानी मिलता है, क्या ये सही है? चौथे पांचवें दिन बालों का के अंदर इतना बड़ा शहर और उसके अंदर पानी पांचवें दिन में मिलता है, घरों के अंदर मीठे और खारे पानी की मेरे बता रहे मुझे अलग अलग टंकियां है और रिजर्व पानी से ही लोग काम चलाते हैं, क्या ये सही है? फ्लोराइड युक्त पानी है, फ्लोराइड से बना हुआ पानी है तो उसको भी आप अच्छे से पी नहीं सकते, और मीठे पानी को 30-40 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है, क्या ये सही है? 40 किलोमीटर दूर से मीठा पानी, ये 53 साल के लोकतंत्र के बाद आज अगर आप लोगों के साथ अगर ये स्थिति है तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये कांग्रेस ने क्या किया है और ये 40 साल ने क्या किया है? हमारी ओर से तो पोखरण परसून और तिवारा पेयजल परियोजना 1000 करोड़ की योजना, अब रस्ते में देख रही हूँ कहीं खुदाई हो रही है कहीं पाइप कटना जा रहा है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस 4.5 साल तक क्यों नहीं किया? आज खाली चुनाव आ रहे हैं तो आप लोगों को दिखाने के लिए जो यहाँ एक पाइप वहाँ एक पाइप एक और पाइप इधर, तो आप सबको लगेगा कि ये पोखरण परसून की योजना हर तरफ आ जाएगी, ये 4.5 साल तक में आनी चाहिए थी जो नहीं आई है। इसी तरीके से बारमोगरा पचपदरा और आपके ये जसोल क्षेत्र के अनेक गांव को लाभान्वित होना चाहिए था जिनको आज पानी नहीं मिल रहा है। इस सरकार ने मात्र बारमोगरा से परसून तक पाइप लाइन बिछाकर आपको कभी ऐसे ही झोंकने की कोशिश की है, आपको लगे कि पानी आने वाला है और इससे आपको खुश हो जाओ। इस तरीके से मैंने जो भी सरकार होती है उसकी सबसे पहले काम क्या होता है? अगर वो पानी नहीं दे सकते, अगर वो आपको बिजली नहीं दे सकते, अगर वो आपको सड़क नहीं दे सकते, अगर वो रोजगार नहीं दे सकते, अगर वो टीचर और डॉक्टर नहीं दे सकते, तो किस काम की है ये सरकार? मैं पता करना चाहती हूँ
घर के ऊपर 24 घंटे बिजली मिल रही है क्या इसकी? किसी को मिल रही है मामला लेने? जाते जाते मैंने एक लाइन आपके लिए अलग से घरेलू बिजली की छोड़ी थी। इस घरेलू बिजली का ये मेरा आदेश था कि आप लोगों को 24 घंटे बिजली मिले और मेरे जाने से पहले 18 घंटे बिजली देके गई। ये मुझे विश्वास है। अब मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आपकी सरकार आएगी तो सबसे पहले बात है देने घरेलू बिजली 24 घंटे आप लोगों को देने का काम हम करेंगे। ये मैं आप लोगों को सबसे सामने कहने जा रही हूँ। किसानों को फ्री में बिजली मिल रही है। किसान भाई आप लोग सब बैठकों की संख्या में फ्री में बिजली आप लोगों को 8 घंटे मिल रही है क्या? जहाँ तक मेरे को खबर आई है वह 3 घंटे बिजली और वो भी ट्रैफिक के साथ। तो आप लोगों को जितना बिजली मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है, जितना पानी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जितना खाद जितना बीज और समय पे अपने फसल का पैदावार का अच्छा दाम ये कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसलिए किसानों की बिल्कुल जर्जर हालत हो गई है पूरे राजस्थान के अंदर। आज ये सब देखने को मिल रहा है। मेरे युवा भाइयों से मैं पूछना चाहती हूँ सब लोग क्या बैठे हुए हैं 55 विधानसभा के डॉक्टर आपके अस्पताल में 34 डॉक्टर होने चाहिए और है कितने? है कितने? अब आप बताओ मेरे को आपके इतना बड़ा हॉस्पिटल इतना बड़ा शहर और उसके अंदर 34 में से बस 9 ही डॉक्टर और ये 9 डॉक्टर के अंदर आपका ये महिला डॉक्टर नहीं, हड्डी डॉक्टर नहीं, नेत्र डॉक्टर नहीं, सर्जन नहीं, तो क्या है इस अस्पताल के अंदर? मैं ये पता करना चाहती हूँ। और जयपुर के अंदर बड़े बड़े विज्ञापन कि हम लोग मुफ्त दवाई दे रहे हैं, हम लोग मुफ्त जांच करा रहे हैं। जब डॉक्टर नहीं है, लैब टेक्नीशियन नहीं है तो आपको मुफ्त दवा और मुफ्त जांच कैसे हो रही है? भाइयों हो रही है क्या किसी की? कोई हॉस्पिटल जाके करवा सकता है? मैं पूछना चाहती हूँ किसान भाइयों आप लोगों को सही समय के ऊपर मुआवजा मिला क्या? अभी काला पड़ा था, ओला पड़े थे, आपको मुआवजा मिला? जयपुर के अंदर हमने अखबार में पढ़ा कि बिजली के दाम कम किए और आपको पैसे का पैकेज एक जो बार बना के दिया है उस पैसे के पैकेज द्वारा जो आपको मिला है आपकी जो भी मुसीबतें हैं उनको हटाने की उन्होंने कोशिश की है। क्या ये सही है? नहीं मिला है मुझे मालूम है। और ये भी मुझे नहीं, मुझे मालूम है कि 1,50,000 का ऋण जो हमारे किसानों को मिलना चाहिए था वो भी किसी को नहीं मिला बिना ब्याज के। मिला है क्या? किसी को नहीं मिला है। मुझे मालूम है कि 15,000, 20,000, 25,000 तक और दूसरे आपके रिश्वत में पैसे ले लिए गए हैं। आज कुछ भी काम इस प्रदेश के अंदर बिना रिश्वत के नहीं हो रहा है, चाहे वो ट्रांसफॉर्मर लाना हो, चाहे वो बिजली के पोल और लाइन ले जा रहे हो। इन सब चीजों के लिए जब तक आप रिश्वत नहीं देंगे तब तक आप लोगों का काम ही नहीं होगा और ये सब लोग जानते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कैसी सरकार है जो काम उसको करना चाहिए उसके लिए भी जनता से पैसे लेती है और ये भी गलत पैसे लेने का काम करती है। ऐसी सरकार को क्या उस कुर्सी पे बैठने का कोई हक है? महिलाओं की क्या हालत है? महिलाओं के साथ अत्याचार, सड़क पे चलती महिला उसके साथ अत्याचार, बच्चियों के साथ अत्याचार, जयपुर के अंदर ऐसे ऐसे केस हुए हैं वो पूरे राजस्थान को मालूम है। आज हमारी बिटिया अगर स्कूल या कॉलेज चले जाती है माता बहने तो जब तक वो वापस नहीं आती है तो हमारा दिल कैसे धड़कता है? आज हम लोग सब जानते हैं कि जो परिवार अपनी महिला की इज्जत और स्वाभिमान को नहीं बचा सकता वो परिवार आगे बढ़ ही नहीं सकता है। और राजस्थान के मुखिया अगर हमारे गांव में भी लोगों की इज्जत को नहीं रख सकता तो उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं समझती हूँ कोई हक नहीं है उसको दिए बैठने का। बालोतरा का औद्योगिक प्रदूषण सब लोग जानते हैं कि इससे हम लोग कितने दुखी रहे। अपने समय में 2-3 प्लांट लगाने का काम किया है और अब मुझे मालूम है कि फोर्थ इंडस्ट्री स्टेट का आ गया है और इसीलिए उसकी और जरूरत है। मैं आपको सबको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपकी सरकार आएगी तो वो 3 प्लांट बनेंगे ताकि ये प्रदूषण आपके प्रदेश आपके गाँव का क्षेत्र और आगे भी ना बढ़े उसका काम हम लोग करेंगे। मैं युवाओं को कहना चाहती हूँ कि आज मैं देख रही हूँ स्कूलों की क्या हालत है। टीचर नहीं है कहीं भी और अगर टीचर है तो बच्चे नहीं और बच्चे हैं तो टीचर नहीं और दोनों टीचर के ऊपर आप लोग काम
की आंखों की स्थिति थी। मैं सब बच्चों को यह कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को नौकरी जो मिलनी चाहिए थी, रोजगार जो मिलना चाहिए था, वो आज नहीं मिल रहा है। कभी किसी से पूछा जाता है तो बोलते हैं कि हम देते हैं नौकरी पर तो दे नहीं रहे। मैं सबको कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के टाइम में हम लोगों ने 10 लाख नौकरियां हमारे बच्चों को सरकारी और गैर सरकारी दी थी। और मैं आपको सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि टैक्स का प्रबंधन करेंगे और आरपीएससी को वापस लाके आरपीएससी के द्वारा फिर से नौकरियां देने का काम करेंगे ताकि हमारे बच्चों को इधर उधर भटकने की जरूरत न होगी। सब बच्चों का मैं कहना चाहती हूँ जब भी कोई बड़ा परिवर्तन होता है प्रदेश के अंदर या देश के अंदर, वो युवा पीढ़ी करती है। इसीलिए मैं अपने युवाओं की तरफ देखना चाह रही हूँ और उनको कह रही हूँ कि आज राजस्थान को ऐसे गर्व में पहुंचाने का काम इस कांग्रेस ने किया है कि अब इसको बचाने का काम आप लोगों को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। मुझे याद है कि आपने सरकार को धमकी दी थी तब भी राजस्थान बीमारू प्रदेश कहलाया जाता था। आप लोगों ने मदद की, हम लोगों ने उस बीमारू प्रदेश को गड्ढे में से निकाल के अपने पैर पे खड़ा किया और राजस्थान को अग्रणी प्रदेशों की पंक्ति में लाने की कोशिश की। आज फिर से गर्व में पहुंचाने का काम हमने किया है। परंतु अगर आप लोग युवा महिलाओं सब लोग उतर जाते हैं तो मैं तो ये विश्वास करती हूँ कि इस प्रदेश को फिर से अग्रणी प्रदेश में ले जाने का काम हम लोग मिलकर कर सकते हैं। अब मैं आपके क्षेत्र में पूछने आ रही हूँ, मनरेगा का काम नहीं हो रहा है? मनरेगा का काम नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। हम लोगों के समय में 26 लाख लोगों को नौकरियां दिलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। आज 1 लाख मुश्किल से लोगों को नौकरी मिल रही है और जिनको मिल रही है उनको पैसा समय पे नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने पैसा भी समय पे टाइम पे दिया और मैं ये मानती हूँ कि वो 26 लाख लोगों ने हमारे साथ मिलकर जो परिसंपत्ति बनाई उसकी वजह से राजस्थान आगे बढ़ा। मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। परंतु आज 13,000 करोड़ का घोटाला हो रहा है, ये जा रहा है पेट में और जेब में इन कांग्रेस वालों के, परंतु ये जनता तक नहीं पहुंच रहा है। जो लोग इस तरीके के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गरीब जनता के साथ हिम्मत कर रहे हैं, क्या उनको उस कुर्सी पे बैठने का हक है? माता बहने, मैंने 2007-06 के अंदर भामाशाह योजना आपके लिए तैयार की थी। उस भामाशाह योजना के अंदर 1500 रुपए द्वारा महिलाओं को हम लोग बैंक अकाउंट खोलने को 50 लाख परिवारों के लिए खोलने जा रहे थे। उसमें SC ST लघु सीमांत कृषक उसके अंदर BPL परिवार इन सब लोगों को हमने जोड़ा था और हमने कहा था कि उनको पेंशन का काम और सब दूसरे पैसों का काम उसके द्वारा होगा और कार्ड के ऊपर 30,000 रुपया वो बीमा आपके बीमा के हिसाब से हम दे रहे थे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर वो चल जाता तो आज 4.5 साल तक आप लोगों को आराम से पेंशन मिलता। आज आप लोग सबको मालूम है कि जो के चुनाव आ रहे हैं तो जल्दी जल्दी में ये सब काम दिलवाए जा रहे हैं, परंतु अगर ये काम करा दिया होता तो 4.5 साल पहले कर दिया होता तो कितने सारे लोगों को उसका फायदा मिलता। भाई और बहनों, आज हम किसके आप लोगों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप लोगों का नाम मारपीट का नाम आजकल अखबारों में आ रहा है, जहां जाओ राजस्थान में या देश में मारपीट का नाम अखबार में आ रहा है, पर काय भी नहीं आ रहा है। इस चीज से राजस्थान का सिर कलम से और शर्म से झुक जाता है। रिफाइनरी आना मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी चीज है, बड़ी फैक्ट्री आ रही है हमारे प्रदेश के अंदर आ रही है, बहुत अच्छी चीज। मैं खाली इतना पूछना चाहती हूँ और मैं बुनियादी सवाल के ऊपर हूँ कि यहाँ आप लोग रिफाइनरी करने जा रहे हो कि मुंह मामला को जागरूक करने जा रहे हो, ये हमें बताया जाए। पहले हमने देखा कि पहले तो आपने बाजू के ऊपर तैयार कर लिया कि कोई हमारा ये रिफाइनरी वहां जाएगी, आपने सेक्शन 4 कर लिया, सेक्शन 6 भी कर लिया, आपने पेट्रोलियम के मंत्री को बुला के उसने फीता भी कटवा दिया। और जब तक ये सब हो रहा था उन 6 महीनों के अंदर मंत्री और उनके जान पहचान के लोग, उनके कॉन्ट्रैक्टर, SC बेचारे गरीब लोगों के द्वारा जमीने खरीद करो थोड़ी हजारों की संख्या में जमीन खरीदी जा रही थी, सस्ती दाम में खरीदी जा रही थी और भारी दाम में बेची जा रही थी। इस बीच में जब सब कुछ तय हो गया, एकदम से किसी ने कहा
कीजिए जा रहा है पचपदरा, पचपदरा में इसलिए जा रहा है क्योंकि वहाँ सरकारी जमीन है, उसको हमें पैसे देने की जरूरत नहीं होगी। अगर ये बात थी तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पहले पचपदरा में क्यों नहीं लाए, और जब उनको ये मालूम हो गया था कि ये काम चल रहा है तो छह महीने भाई और बहने ये जो पचपदरा का काम था, यहाँ भी भूमि, यहाँ भी भ्रष्टाचार, यहाँ भी खरीद करो। और आप सबको मालूम है कि पचपदरा के चारों ओर इस जमीन के चारों ओर की भूमि लोगों ने खरीद रखी है, सस्ती दाम पे खरीदी है। यहाँ कितने बार जमीन एक दूसरे के हाथ से निकल रही है, ये सब लोग जानते, सब लोग जानते। और आज मुख्यमंत्री कहता है कि मैं नाम बताऊं, अरे मैं कह रही हूँ कि मुखिया तुम बैठे हो कुर्सी पे, मुझसे नाम आए तो आपको सब कुछ मालूम है। आपको बारहवीं की जनता से नहीं पूछ लो, वही बता दीजिए आपको। ऐसा कोई नहीं है जो जानता नहीं है कि किसने क्या किया है। और अगर जानकारी करनी है तो 3 साल की रजिस्ट्रेशन निकालो, उसकी इंक्वायरी करो, तब मालूम पड़ेगी किसने क्या दिया है और किसने किसकी आवाज में कितना पैसा बनाया है। ये किसी से छिपी है क्या भाइयों? छिपी है क्या? किसी से नहीं छिपी है। गरीब आदमी को तो जमीन नहीं मिलेगा। हमने जब पूछा था कि दोनों बीघा एक एक बीघा गरीब किसान को दिया जाए तो गरीब किसान के लिए जमीन नहीं है, परंतु कंपनी आएगी 10,000 बीघा 20,000 बीघा ओवर समाप्त हो गए। किसान अपने जानवर को ओवर में छोड़ नहीं सकते। अपनी आवाज़ भूमि आवाज़ मैंने भूमि को मैं आवेदन कर रही थी, जाते जाते हमारी सरकार ने मुझे याद है मैंने दौरा याद किया था, तो जो लोग भूमि के ऊपर बहुत दिन से काबिज थे उनको उनके पट्टे दिए जा रहे थे, वो सब चीज को रोक दिया। गरीब आदमी को भूमि नहीं देंगे, परंतु इन लोगों को देंगे 10,000 बीघा वाले, 20,000 बीघा वाले। हमारे गरीबों का क्या होगा? कोई उसका जवाब दे, हमारी सरकार को जवाब दे कि इन लोगों का वो क्या करेगी। सौर ऊर्जा का नाम लेके पंखे हजारों लगा दिए, उनके नीचे हजारों बीघा ले ली, और उसमें हमारे फिर किसान कोई नहीं जा सकते। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब बाड़मेर जिले के अंदर बिजली की इतनी कमी है तो सबसे पहले सौर ऊर्जा का लाभ बाड़मेर को मिलना चाहिए। हमारे लोगों को पहले बिजली दीजिए और वहां से भी उनको निकालने का काम करिए, और वो आसानी से हो भी सकता है। भाई है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हर दिन 10 से 12 करोड़ रुपया आप उस तेल के ऊपर कमा रहे हो, इसका मतलब महीने में करीबन 350 करोड़ रुपया और साल में करीबन 42,000 करोड़ रुपया। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर एक महीने का भी पैसा बाड़मेर में लगा दिया होता तो बाड़मेर अब तक चमन हो जाता। एक पैसा भी नहीं लगाया गया है। आता है पैसा और आपका पैसा और वो आपका पैसा आगे चला जाता है, परंतु तो हमारे क्षेत्र के अंदर आज दिन तक नहीं लगा है। क्यों? हम पूछ रहे हैं सब जनता की ओर से, हमें जवाब दीजिए और हमारा पैसा पहले हमारे पास लगाइए, हमारी बिजली पहले हमको दीजिए और फिर उसको आगे जाने दीजिए, हम उसको रोकेंगे नहीं। परंतु हमारे किसानों के इसका काम पहले करने का ही होना चाहिए, ये मैं मानती हूँ कि आप लोग भी सब मानते हैं। अब आप सौदा देखो घाटे का, आप अगर फैक्ट्री लगाने जाओगे और ये फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि जब भी तेल की फैक्ट्री कहीं लगी है तो भटिंडा में हो या बड़ोदा, ये पैसा सरकारी आता है माने दिल्ली की सरकार। ये ऐसा कुछ क्यों हुआ इस राजस्थान के अंदर कि सरकार दिल्ली की एक पैसा भी दे रही है और यहाँ से ही सब पैसा लगाया जा रहा है। अब 15 साल के लिए बिना ब्याज के 4,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, तो ये समझिए कि 7,600 करोड़ रुपया आप लोग लगाने जा रहे हो। तो पैसा भी आपका, तेल भी आपका, जमीन भी आपकी और फैक्ट्री किसी और की, ये कैसा सौदा है? 25% सिर्फ शेयर आपके पास है, नहीं तो पूरा की पूरी उस फैक्ट्री के पास है। और कितनी भूमि वाली हो, पहले 8,000, अब 9,000, 10,000, 11, आप कह रहे हैं 12,000 बीघा भूमि इनको हम देने जा रहे हैं, पूरी फैक्ट्री, पैसा, तेल, सब कुछ हम देने जा रहे हैं। ये क्यों सौदे का घाटा और ये क्यों सौदे वाले बाहर राजस्थान के साथ कोई बता सकता है? ऐसा ही चलेगा तो हम राजस्थान को भेज के खा जाएंगे। और मैं आप लोग सबको कह रही हूँ कि ये हरगिज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हम लोग दिल के इसको संभालेंगे। मेरे से प्रश्न पूछते हैं, चला किसके हाथ में? अभी रॉबर्ट वाड्रा आए, आप जानते हो रॉबर्ट वाड्रा कौन है? वो इस
देश का जवाई है, बहुत बड़ा आदमी है। ऐसा नहीं है कि कोई इसको छुपा सकता है। रॉबर्ट वाड्रा आया और रॉबर्ट वाड्रा ने आपके बीकानेर के अंदर, आपके जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर बाप नमूदी इन सब जगह के ऊपर जमीन खरीदी। पहले बताया जब सौर ऊर्जा के लिए खरीद रहे 10,000 बीघा पूरे रूल उनके लिए बदल के उनको जमीन दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है रूल कोई बदल सकता है बिना मुख्यमंत्री के बारे में? रूल बदल सकता है बिना मुख्यमंत्री के? नहीं, तो रूल बदला, 10,000 बीघा उनको दिया, सस्ता खरीदा, महंगा बेचा और पैसा लेके चला गया। मुख्यमंत्री कहता है कि मुझे तो मालूम भी नहीं है, मुझे तो मालूम भी नहीं है कि रॉबर्ट वाड्रा आया था यहाँ। अगर तुम्हें नहीं मालूम कि रॉबर्ट वाड्रा यहाँ आया था तो फिर उस कुर्सी पे क्यों बैठे हो? उधर जाओ इस कुर्सी से और किसी और काम पे बैठने का ढंग दे दो ताकि वो जनता का काम कर सके। इस तरीके से कभी हाँ कभी ना सफेद पोश वस्त्र पहन के गांधी जी का नाम लेके हम उसके पीछे नहीं छिप सकते हैं। जो हम है वो हम है और वो तो पूरी जनता जानती है कि हम क्या कर रहे हैं उनके साथ, कितना झूठ है और कितना सच है वो सबके सामने है। और इसलिए भाइयों मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत हो गया, 4.5 साल का 53 साल खाया है और अभी भी खाते जा रहे हैं, बेशर्मी के साथ खाते जा रहे हैं। वो सोचते हैं कि अब चुनाव आ गया तो चुनाव के अंदर हम फिर से लोगों के बीच में आ जाएंगे। प्रश्न यही है कि 4.5 साल तक आपने क्यों नहीं किया? अब आ गए आपके बीच में, अब आपको कहने लगे कि भैया हम तो आपके साथ है। आपको लैपटॉप चाहिए तो लैपटॉप के पैसे ले जाओ, आपको चावल चाहिए तो चावल के पैसे ले जाओ, आपको साइकिल चाहिए तो साइकिल के पैसे ले जाओ, आपको लुगड़ी चाहिए तो लुगड़ी के पैसे ले जाओ, और अगर आपके बच्चे हैं तो जोर कुर्ता पजामा भी ले जाओ, और अगर आपको और भी चाहिए तो एक थाली और दो कटोरी भी ले जाओ। आप बताओ आपको क्या चाहिए? ये है मजाक बना के रखा है, पैसा इस तरीके से ढूंढ रहे हैं। और मैं सबको कह रही हूँ कि हिचकी जाओ मत भाइयों, ये तो आप ही का पैसा है। ये जो हाथ है ना ये बड़ा खूनी हाथ है, ये लोगों के गला दबा चुका है, ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर चुका है, ये वो हाथ है जो आज भी आपकी जेब के अंदर फंसा पड़ा है। और इसलिए मैं कह रही हूँ ये आपका पैसा है, इस पैसे को इस्तेमाल करो, इसको लो और याद रखो कि नहीं लोगे तो वो काले घर के अंदर जमा हो जाएगा वो बैंकों में जो बाहर है, इस चीज को ध्यान रखना। इसलिए अपना पैसा अपन लो, परंतु जब अपन आते हैं उस समय पे तो सोच समझ के दो और ध्यान रखो कि हम अपने भविष्य का वोट दे रहे हैं इन लोगों के पीछे नहीं, एक नए राजस्थान को बनाने के पीछे। मैं आपको सबसे सामने आज यहाँ आई हूँ, मालोपुरा में आके मुझे बहुत खुशी हुई है क्योंकि आपने बहुत प्यार किया, परंतु मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ के ये विशाल की जो नगरी हुई है ये परिवार एक में साथ हो रहा है। मेरे 36 के 36 गांव सब मतलब जब एक होंगे और परिवार एक होगा तब हमारे बीच में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, तब राजस्थान आगे बढ़ेगा। आज 7 साल से आप पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि कांग्रेस ने लगातार 7 साल हम लोगों को लड़ाया, हम लोगों के बीच में दीवारें खड़ी कर दी और ये देख लिया कि हम गरीबी के उसमें चक्कर में फंसे रहे ताकि वो 7 साल राज कर सके। अब ये चक्कर से अपने को निकलना है। कोई अभी मेरे पास आया था, मेरे को कह रहा था कि भाइयों मेरे घर के अंदर एक मर्डर हुआ और ये तो हमारे यहाँ के पुलिस वाले समझ सही नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा ये बच्चों की मौत हुई है, बहुत ही दर्दनाक मौत हुई है, इसकी मदद करें तो आप उसको CBI को दे दीजिए। मैंने कहा किसको? कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, CBI को। आजकल मैंने कहा भाइयों गरीब लोगों के लिए CBI नहीं है, नैना हत्याकांड कब हुआ किसी को अभी तक मालूम नहीं है, वो CBI का काम है, आज तक मालूम नहीं किसने किया। वो शिवाजी का मर्डर हुआ सब आपने पढ़ा, परंतु आज तक किसी ने पकड़ा नहीं है वो कौन था उसके पीछे, वो अपना काम नहीं करते। उन्होंने नरेंद्र भाई के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर डोले डालने की कोशिश की, सिंह के ऊपर डोला डालने की कोशिश कर रहे हैं। और आप सबको बता रही हूँ कि वो
इतना चाहिए कि भाई हम लोग सबके लिए है, हम किसी एक के लिए कर रहे हैं, पर जो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर को इस चीज को सबको ये बोल दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को रखो रखे बंद कर सकते हो तो छोड़ो बात। एक सवाल था इंदिरा गांधी के टाइम में जब आपका इमरजेंसी लागू हुआ था, आज अघोषित इमरजेंसी है, सब लोगों को डराने की बात, धमकाने की बात और लोगों को सीबीआई सब लोगों के पास डराने की बात चल रही है। मैं सब लोगों में कहना चाहती हूँ, सब बच्चों में से कोई नहीं करने वाला है। हमने तय कर लिया है कि हम जनता के लिए अपना खून खून देने को तैयार है। सब भारतीय जनता पार्टी आपकी सेवा में है। अगर आपको लड़ना पड़ेगा आपके लिए तो हम लड़ने को तैयार है, क्योंकि हम सबको वो नया राजस्थान बनाना है, हमको वो ऐसा राजस्थान बनाना है जिस राजस्थान के अंदर हमारी महिलाएं बिल्कुल सिर ऊंचा करके स्वाभिमान और इज्जत के साथ अपने सड़क पे चल सके। हमें वो ऐसा राजस्थान बनाना है जिसके अंदर उसके किसान भाई मजबूती के साथ खड़े होंगे और उनको समय समय पर जो उनकी जरूरत है वो उनको मिलेगी, महंगाई कम हो जाए, ऐसा राजस्थान आपको चाहिए। हमको चाहिए एक ऐसा राजस्थान जहाँ हमारे बच्चों को नौकरी मिले। और मैं सबको कह रही हूँ कि टैक्स का प्रबंधन मैं कर रही हूँ, टैक्स का प्रबंधन हो जाएगा और उसके बाद आप पीएससी के द्वारा नौकरी देने का काम हम लोग करेंगे, बाकी आपको भटकने की जरूरत नहीं होगी। इन चारों चीजों को हम ऐसा करना चाहते हैं कि एक नया ऐसा नया राजस्थान बन जाए जो समृद्ध, जो खुशहाल, जो मजबूत ऐसा प्रदेश हो। एक हमारे इतिहास के अंदर आपको सबको मालूम है कि राजस्थान को लोग छूने आते थे, राजस्थान का ऐसा छोटा इतिहास था। इस इतिहास की वजह से राजस्थान नंबर एक प्रदेश माना जाता था दुनिया में। आज कलम के धोखे मालूम भी हम कहा है, पर तो हम विश्वास करते हैं कि हमारा पूरा परिवार अगर ऐसे जुट जाएगा और हम ऐसी तरीके से एक साथ मिलकर आवाज उठाएंगे और हमारे युवा आगे चलेंगे, हमारी माता बहने चलेंगे और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तो हमारा विकास कोई पैदा नहीं हुआ जो रोक सकता है। इसलिए तैयारी करो भाइयों और बहनों, डराएंगे धमकाएंगे, तैयार हो, तैयार हो, डरोगे तो नहीं, हिम्मत है, तो इसलिए याद रखना आएंगे घूमेंगे, बच्चे बांटेंगे, आपके कान को भरने की कोशिश करेंगे, सब कुछ करेंगे, सब मालूम है आप लोगों को, आपको मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस हाथ ऊपर करो और नए राजस्थान को बनाने का एक संकल्प लेंगे आप लोगों और मेरे साथ एक छोटा सा जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। I'm a savage. I'm a savage.